गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एमएड की कक्षा में कल हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ा था हमने कल। तो एडजस्टमेंट का कल हमने मीनिंग, डेफिनेशन और डेफिनेशन के आधार पर उसके करेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा हमने एडजस्टमेंट के टाइप्स हमने कल पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल एडजस्टमेंट एडजस्टेड पर्सन, कि एक पूर्णतः समायोजित व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं, सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो उन विशेषताओं पर चर्चा करते हुए पहला हमारी जो प्रमुख विशेषता है वो है हमारा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसके अंदर काम करने की अपार शक्ति होगी, मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, चेहरे पर हमेशा तेज रहेगा और ऐसे व्यक्ति बात करने में खुद को सहज महसूस करेंगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ वह हर किसी के साथ समायोजित होने में खुद को सहज महसूस करेगा। फिर दूसरा आता है हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ होना। मानसिक रूप से कि जो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बाद दूसरा हमारा जो चरण है, विशेषताएं है, वो मानसिक रूप से स्वस्थता की है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज में, समूह में आसानी से सुसमायोजित हो जाता है। क्योंकि मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति बालक मानसिक या मानसिक मनोविकारों से रहित होता है, उनका स्वभाव दृष्टिकोण सरल एवं निश्चल होता है, मन में द्वेष की भावना नहीं होती, मन में किसी प्रकार के निष्कपट की भावना नहीं होती, उनका व्यवहार भी दूसरों के प्रति सामंजस्यपूर्ण ही होता है। ऐसे व्यक्ति या बालक हर किसी के साथ आसानी से सुसमायोजित हो जाते हैं। तीसरा हमारा रहता है संवेगी स्थिरता। देखिए, संवेगों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं है तो हम यह कह सकते हैं कि वो व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर सकता समाज के साथ। समाज में एडजस्ट करने से पहले वह परिवार में एडजस्ट करना सीखे और परिवार में एडजस्ट करने से पहले वह खुद को समायोजित करना सीखे, क्योंकि उसके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य समाज पे एक बुरी छाप छोड़ेगा। तो सुसमायोजित व्यक्ति की एक अन्य विशेषता संवेगिक रूप से क्या है, सुदृढ़ एवं स्थिर होना। समायोजित व्यक्ति संतुलित व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं और वे अपने संवेगों को समुचित दिशा में जोड़ने में भी सक्षम हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक सुसमायोजित व्यक्ति की एक प्रमुख विशेषता है लोचकता, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। एक सुसमायोजित व्यक्ति जो है वो हर जगह एडजस्ट, उसका स्वभाव एक पानी की तरह होता है, जैसे पानी को किसी भी पात्र में डाल दिया जाए वो उसी पात्र का रूप धारण कर लेता है। ठीक उसी तरह सुसमायोजित व्यक्ति भी समाज को किसी भी पहलू में उसको रखा जाए, किसी भी आयाम में उसको रखा जाए, वह वैसा ही बन जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है वातावरण के साथ शीघ्र ही बिना किसी कठिनाई के तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। अगला आता हमारा आशावादी। सुसमायोजित व्यक्ति हमेशा आशावादी होगा, निराशावादी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति कहते हैं आत्मविश्वासी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और साहसी होते हैं, जो सदैव आगे की सोचते हैं, हमेशा चीजों को पॉजिटिव वे में देखते हैं, निगेटिविटी उन पर कभी हावी नहीं होती। नेक्स्ट, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, जीवन को वह आनंद के साथ पूर्णतः एंजॉय करते हैं, जीवन में कभी भी निराशा का भाव आने नहीं देते और दूसरों को भी हमेशा खुश रखते हैं। जब
सुसमायोजित व्यक्ति जब समाज में पहुंचता है तब उसके आने से लोग अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं और लोगों में ऐसा विश्वास जागृत हो जाता है कि अब वो व्यक्ति आ गया है, अब हमारा काम आसानी से हो जाएगा। इसके साथ साथ इस तरीके के व्यक्ति अपने जीवन दर्शन से समाज की संस्कृति, परंपराएं, मूल्यों और रीति रिवाजों के अनुसार खुद को ढाल लेता है और समाज की प्रगति में सहायक होता है। फिर आता उचित आकांक्षा का स्तर, प्रॉपर लेवल ऑफ एस्पिरेशन। उचित आकांक्षा स्तर सुसमायोजित व्यक्ति की अन्य विशेषता है। ऐसे व्यक्तियों का आकांक्षा स्तर सामान्य होता है, इसलिए वे कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते और ना ही अपनी कमियों अथवा सीमाओं को लांघते हैं। वे अपनी सामर्थ्य और अपनी क्षमता के अनुरूप ही जीवन लक्ष्यों को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं और वह इस प्रयास में अधिकतर सफल भी होते हैं। स्किल्ड, अगर कोई व्यक्ति स्किलफुल है, कार्य कुशल है, तो वह समाज में खुद को सुसमायोजित आसानी से कर लेगा। इसके साथ ही साथ जैसे अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, एक शिक्षक, शिक्षक ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वह चाहे यूपी में अपनी सेवाएं दें या मध्य प्रदेश में या दुनिया के किसी भी कोने में, उसके द्वारा सीखा हुआ ज्ञान वो हर जगह काम में आएगा। जैसे अगर हम एजुकेशन की ही बात करते हैं तो एजुकेशन में आप लोगों ने वेस्टर्न फिलोसफर भी पढ़े होंगे, इंडियन फिलोसफर भी पढ़े होंगे। वेस्टर्न फिलोसफर पढ़ने का मतलब यह है कि जो चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अपने देश में पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें वेस्टर्न में भी पढ़ाई जा रही है, यानी कि हमारे द्वारा सीखा हुआ ज्ञान हम वेस्टर्न में भी यूज कर सकते हैं। तो स्किलफुल व्यक्ति हर जगह अपने आप को सुसमायोजित कर सकता है, हर जगह आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता है, उसे किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती। नेक्स्ट, सामाजिक रूप से स्वीकृत। सामाजिक रूप से स्वीकृत होना भी सुसमायोजित बालक या व्यक्ति की विशेषता है। सामाजिक मूल्यों, आदर्शों एवं व्यवहारों को अंकित कृत करने वाला बालक समाज में स्वीकृति पाता है। कहने का तात्पर्य सीधा है कि समाज के नीति नियमों को अगर आसानी से अपना लेता है तो समाज भी उसके विचारों को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक, उसे समाज का एक मान्य सदस्य मान लिया जाता है और ऐसे बालक या व्यक्ति समाज के हर व्यक्ति एवं सामाजिक व्यवहार से सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं। अतः एक गेट्स एवं अदर्स, उन्होंने परिभाषा दी है कि सुसमाज व्यक्ति वह है जिसकी जीवन में आवश्यकताएं एवं तृप्तियां सामाजिक अनुभूतियों की भावना एवं सामाजिक दायित्वों की स्वीकृति से एकीकृत हो, इंटीग्रेटेड हो। द वेल एडजस्टेड पर्सन इज वन हुज नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन इन लाइफ आर इंटीग्रेटेड विद द सेंस ऑफ सोशल फीलिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषताएं आपने पढ़ ली, ये जो विशेषताएं बताई गई हैं इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके लिए जरूर लाभान्वित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।